साइकोलॉजी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, सिर्फ लोगों से बात करते हुए उनके हाव भाव से ये जान लेना कि वो आपकी बात को कितना सुन और समझ रहे हैं, या किसी को देखकर उसके बिहेव का अनुमान लगा लेना, या अपने सीक्रेट्स छुपा कर रखना ताकि आप अपने काम को पूरा होता देख सकें। ये सभी चीज़ साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत सटीक तरीके से काम करती है। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, इसके बारे में जितना जानते रहोगे उतना कम है। एक कंप्यूटर जितना तेजी से काम करता है उससे हजार गुना तेजी से हमारा दिमाग काम करता है। कंप्यूटर और दिमाग में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और वो ये कि कंप्यूटर भी कमांड पर चलता है और हमारा दिमाग भी हमारे थ्रू दी गई कमांड ही फॉलो करता है। आप जो भी उसे बोलोगे वो वैसा वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि कई लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी जाती है जो वो शायद कभी मानना नहीं चाहते थे या मानते नहीं थे। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाला हूँ जो साइकोलॉजी की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेगी जिसे जानने के बाद आप शायद अपने दिमाग को थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दोगे, और हो सकता है आपका माइंड पहले से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने लगे। तो इसमें सबसे पहले है कि हमारा दिमाग तब बहुत क्रिएटिव काम करता है जब हम थके हुए होते हैं या उससे ज़्यादा काम लेते हैं। रिसर्च के हिसाब से अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, मतलब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वाकई आपको थका सके या जिसमें आपके बहुत ही ज्यादा फोकस की नीड हो, तो इसके बहुत कम चांस है कि आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। और वहीं आप बहुत फोकस करके किसी काम को कर रहे हो और फिर सडनली आपको याद आया कि यार वो चीज़ भी तो हो सकती है, तो ये एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी निकालना ये कभी भी सिर्फ शांत बैठे बैठे नहीं होता। अब जैसे कोई आदमी बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है और उसे एक काम मिला कि उसे कोई ऐसी पेंटिंग तैयार करनी है जो बिल्कुल अलग हो, मतलब ऐसा कुछ कि उसके अंदर इमोशंस भी छुपे हों और कुछ गुस्सा भी। अभी आदमी पूरा दिन सब काम छोड़कर बस उसी पेंटिंग के बारे में सोचता रहा कि यार क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या ऐसा दिखाऊं उस पेंटिंग में जो वाकई लोगों को चौंका दे, मगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता। फिर ये उसे छोड़कर अपना कोई और काम करने लगता है, यानी दूसरी पेंटिंग्स को बनाना, जो बाकी पेंटिंग्स है उनमें रंग करना, ये सब शुरू कर देता है। अब जब ये ऐसा कर रहा होता है तो इसका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है और सडनली इसे एक थॉट आता है कि यार ऐसा बनाता हूँ, और फिर इसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें समाज की अच्छाई और बुराई दोनों साफ नजर आई। इसने बनाई एक नदी और नदी में डूबती औरत, और उस औरत को बचा रहा है कुत्ता। अब ये तो हो गया इमोशन। फिर गुस्सा दिखाने के लिए इसने उसके पास बनाए लोगों की भीड़ के हाथ में मोबाइल, जो उसकी मदद करने के बजाय इस हादसे को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस पेंटिंग ने बाकी सबको चौंका दिया और उस पेंटर को इसके लिए प्राइज मिला। तो ये है आपके दिमाग का काम जो आपकी सोच से बिल्कुल परे काम करता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बताया कि ऐसी बहुत सारी धुन होती है जो उन्हें नींद में याद आती है, यानी वो थक कर सो रहे होते हैं, तो जब सोने से पहले का वो वक्त होता है ना जिसमें हमारी आंखें खुलती भी है और बंद भी होती रहती है, तो उसमें उन्हें कुछ धुन याद आई और उन्होंने वो मोबाइल में गुनगुना कर रिकॉर्ड किया। देन अगले दिन उसे प्रोड्यूस किया तो वो वाकई बहुत ब्यूटीफुल साउंड कर रही थी। इसीलिए प्लीज अपने ऊपर प्रेशर मत लो, आप बस काम करो, बाकी दिमाग में क्रिएटिव थॉट्स अपने आप आएंगे। इसके बाद है हमारा माइंड ऐसे लोगों के पीछे सबसे ज्यादा भागता पसंद करता है जो हमें इग्नोर करें, और जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उसे वो इग्नोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि ये तो है ही मेरे पास, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि हमने अपने माइंड को बचपन से ही ये सिखाया होता है कि काश वो चीज मेरे पास हो, काश वो ड्रेस मैं पहनूं, तो इस काश काश के चक्कर में उसे ऐसा लगने लगता है कि रियल लाइफ यही है कि जो मेरे पास नहीं है उसके पीछे भागो और जो आपके पास है उसे इग्नोर करो। अब क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ कमांड फॉलो करता है, तो आप इस थिंकिंग को चेंज भी कर सकते हो। प्लीज अपने माइंड को हर बार उन चीजों से, उन लोगों से रूबरू करवाओ जो अभी आपके साथ हैं और आपके लिए बहुत सेफ और अच्छे लोग हैं। आपके बार बार अपने आसपास की चीजों पे प्यार को दिखाने से आपका माइंड आपको अपनी ही लाइफ में खुश रहना सिखा देगा। इसके बाद है थोड़ी अजीब बात, और वो ये कि हमारा माइंड जो हमारी मदर टंग है उससे अलग लैंग्वेज में कुछ सोचें तो हमें काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ऐसा बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि जब आप किसी और लैंग्वेज में सोचकर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड सही फैसला लेने में मदद करता है। तो प्लीज़ कोई और लैंग्वेज भी ज़रूर सीखो, और फिर कोई फैसला लेकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने फैसले बिल्कुल सही निकले। इसके बाद हम रेस्टोरेंट में, कैफे में वेटर्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये दिखाता है कि एक्चुअल में हमारा नेचर कैसा है। इस रूल को द वेटर रूल कहा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आप दूसरे लोग जो आपकी नज़र में सिर्फ एक वेटर हैं उन्हें आप किस तरह से ट्रीट करते हैं।
असल में हमारा नेचर हमें राजा और भिखारी का दर्जा देता है, हमारा पैसा नहीं। पैसा आता जाता रहेगा, मगर आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, ये ना कोई ले पाया है और ना ले पाएगा। तो अगर किसी चीज पर काम करना है तो पहले इस चीज पर काम करो। इसके बाद है ऐसा काम करना जो आपको डराता है, यानी ऐसे ड्रीम पूरे करना जिनसे आपको डर लगता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है। आपको जब भी कोई ऐसी चीज करने का मौका मिले जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, जिसमें खतरा रहता है, तो वो चीज करने के बाद आप वाकई खुशी जैसा फील करते हैं। अब इसको करने के लिए गलत रास्ता मत पकड़ लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए थोड़ा रिस्क जरूर उठाओ, उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है ये बातें वाकई आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इन्हें सुनने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर प्लीज जुड़ो ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।